हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों में अब की बार फिर से लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मारी है। इंदौर के गांव कलसोरा के एक साधारण परिवार की लड़की ने 12वीं कक्षा के आर्ट्स विभाग में 500 में से 492 अंक लेकर करनाल जिला में प्रथम स्थान पाया है। उसकी इस जीत पर पूरे स्कूल व गाँव में खुशी का माहौल है। उसकी इस उपलब्धि पर कलसोरा के दी यमुना पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रणबीर गोयत ने सीमा देवी व उसके परिवार के सदस्यों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। अपनी जीत से उत्साहित सीमा देवी ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि के पीछे स्कूल के अध्यापकों व उनके अभिभावकों की अहम भूमिका है। सीमा ने कहा कि वो नर्सरी से लेकर 11वीं तक अपने गाँव की दी यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी है। 12वीं की शिक्षा उसने भारत पब्लिक स्कूल रिंडल से हासिल की है। उसने बताया कि स्कूल में अध्यापकों की कड़ी मेहनत व लगन की वजह से वो आज इस मुकाम को हासिल करने में सफल हुई है। सीमा ने बताया कि वो आगे चलकर LLB कर जज बनकर देश की सेवा करना चाहती है। सीमा देवी के पिता ने कहा कि वो एक साधारण परिवार से हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। मेरी बेटी ने आज जिस मुकाम को हासिल किया है उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत व स्कूलों के अध्यापकों का भरपूर सहयोग मिलना है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उनका मान सम्मान पूरे जिले में बढ़ाया है और इस बात का उन्हें भी गर्व है। उनकी बेटी आगे चलकर जज बनना चाहती है और इसके लिए वह उसका पूरा सहयोग करेंगे। दी यमुना पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रणबीर गोयत ने कहा कि सीमा देवी ने यह मुकाम हासिल कर स्कूल व गाँव का नाम रोशन किया है। यह सब स्कूली अध्यापकों के कड़े परिश्रम व लगन का ही परिणाम है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल का परिणाम हमेशा 100% रहता है। स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारिक शिक्षा भी दी जाती है। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा देवी है। मैं नर्सरी क्लास से फर्स्ट तक श्री रणबीर गोयत जी सर के स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरा नाम सीमा देवी है। मैं नर्सरी क्लास से प्राइमरी फर्स्ट तक 10th 11th तक मैं दी यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा तक मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उसके पश्चात मैंने 12वीं कक्षा भारत पब्लिक स्कूल रिंडल से की है और अपने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। 500 में से 492 अंक मेरे आए हैं और मेरे माता पिता का, गांव का, जिले का और मेरे अध्यापकगण का मैंने रोशन किया है। मुझे भी खुशी है और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को, स्टाफ को, अपने अध्यापकों को, अपने माता पिता को देना चाहती हूँ और मैं आगे LLB करके जज बनना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। प्लस वन तक सर के स्कूल में बहुत अच्छी दी हमने पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत अच्छे से समझाया जाता था, स्मार्ट क्लासेस वगैरह सब कुछ था, तो टीचर्स का बहुत सहयोग भी था, तो हम अच्छे से पढ़ते थे। ये गुड़िया सीमा देवी जिसने 500 में से 492 अंक लेकर के अपने जिले करनाल जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये पहले 10वीं और प्लस वन तक हमारे स्कूल से पढ़ी है और 10वीं में इसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और सफलता की ऊंचाई को छुए। तो अभी कहां से इसने प्लस टू की है, कितने नंबर लिए हैं? अभी इस गुड़िया ने भारत पब्लिक स्कूल रिंडल से प्लस टू पास किया है और 500 में से 492 अंक प्राप्त लेकर के अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और जिला करनाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसने आर्ट साइड से प्लस टू किया है और जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जिले के अंदर रहा है, तो इससे अपने गाँव का, अपने ज़िले का नाम इसने रोशन किया है। मेरे लड़के का नाम सीमा देवी है जी और इसने प्लस वन तक दी यमुना पब्लिक स्कूल में परीक्षा पास की है। अब इसने 12वीं रिंडल भारत पब्लिक स्कूल से पास की है 492 अंक लेकर और मेरा नाम रोशन किया है। मैं स्टाफ का और टीचरों का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो क्या बनने चाहती है बेटिया? मेरी बेटिया अब LLB और जज तक पहुंचना चाहती है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.